नमस्कार, मैं हूँ मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। में महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों के संचालन पर रोक आगामी आदेश तक बरकरार रहेगी। जो आपको बता दें कि कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया था कि हालांकि इससे पहले दूसरे राज्यों पर भी प्रतिबंध था, लेकिन वहां अब बस सुविधाओं को बहाल करने का काम बीते दिन सरकार के द्वारा किया गया था। अभी सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर पाबंदियां लगाई गई है, इसलिए अभी आदेश तक यात्री बसों में प्रतिबंध रहेगा। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 14 जुलाई तक महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों के संचालन पर रोक लगाई है। प्रदेश से कोई बस महाराष्ट्र जाएगी और न ही वहाँ से कोई बस प्रदेश में आएगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बसों के आने जाने पर भी रोक लगी थी, लेकिन उसे हटाया गया। विभाग ने क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त और जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को लोकहित में जरूरी बताया गया। इसलिए मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने और जाने वाली बस परिवहन को संचालन को स्थगित कर दिया गया। जो आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र को छोड़कर 3 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी थी। इन यात्री बसों के संचालन के दौरान बस मालिकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन खुद भी कोरोना करना होगा। जी हाँ, साथ ही यात्रियों को इसका पालन कराना होगा। यदि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो परिवहन विभाग की टीम उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। जो दरअसल महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, यही वजह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। इसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ एम्पायर। जय हिंद, जय भारत।